हेलो दोस्तों, कैपे साइड मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेगा नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों यह जो कंपनी है दोस्तों, ये हेलोल प्लांट गुजरात में है, तो आप लोग जॉब लोकेशन भी हेलोल प्लांट गुजरात में रहने वाला है। इसमें दोस्तों आई टी पास स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, चाहे आप एनसीपीटी से आई टी आई किए हैं, एससीपीटी से आई टी आई किए हैं, दोस्तों दोनों कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं, महिला पुरुष दोनों को इसमें लिया जाएगा दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें जो आपको अभी सैलरी दिया जा रहा है 15,800 रुपये पर मंथ आपको दोस्तों सैलरी भी दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा आपको सैलरी दिया जा रहा है। उसके साथ आपको फैसिलिटी भी मिलने वाला है, कैंटीन बस पिया पिया सा यूनिफॉर्म शूज़ ऑल फैसिलिटी दोस्तों कंपनी के अंदर दिया जाएगा। सिर्फ दोस्तों जो रूम नहीं दिया जाता है, रूम अपने से लेना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों ये जो कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, एक कैंपस प्लस नहीं लगाने के लिए जा रही है, दो दो कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, जो एक 16 जून को लगाई जा रही है और 21 जून को लगाई जा रही है दोस्तों। दोनों अलग अलग कॉलेजों में ये कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, ऐसे में कोई मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या चाहिए नहीं चाहिए सारा कुछ मैं इसका ऑफिसन ऑडिशन का पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कहाँ कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, क्या एज लिमिट रखा गया, कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे भाग ले सकते हैं, सारा कुछ दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स में इसका ऑफिसन ऑडिशन का आपको बताऊँगा। तो आप लोग सोच एंड दोस्तों इस वीडियो बने रही तो वो समझ में आएगा। उससे पहले दोस्तों अगर मैं चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए, ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लस की जानकारी जाती है या एड्रेस संबंधित जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोगों को दी जाती है। चलो दोस्तों चलते हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड के ऑफिसन नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड के ऑफिसर नोटिफिकेशन पा चुके दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी दोस्तों हेलोल प्लांट गुजरात में है दोस्तों, तो आप लोगों का जॉब लोकेशन भी हेलोल प्लांट गुजरात में रहने वाला है। एवार्ड कंपनी कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है देख सकते हैं, आई टी पास कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, चाहे आपके पास एनसीबीटी का सर्टिफिकेट हो या एससीबीटी का सर्टिफिकेट हो दोस्तों, दोनों कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट आई टी सीखे हैं, प्राइवेट आई टी सीखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस कैंपस प्लस में भाग लेकर जॉब पा सकते हैं दोस्तों। जेंडर जो यहाँ पे दिया गया, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों भाग ले सकते हैं, महिला पुरुष दोनों को इसमें दोस्तों लिया जाएगा, दोनों कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है दोस्तों। और दोस्तों जो आई टी ट्रेड यहाँ पे दिया गया, मेल और फीमेल दोनों के लिए दोस्तों ये सब ट्रेड दिया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड जो है फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, TWER दोस्तों ये सब ट्रेड दिया गया दोस्तों। तो जिनका जिनका ट्रेड है दोस्तों वो इस कैंपस प्लस में भाग ले सकते हैं, वो भी महिला पुरुष दोनों इस ट्रेड से भाग ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का ओनली फीमेल ट्रेड रखा गया, ओनली महिलाओं का ट्रेड रखा गया, इसमें जो है मेल वाले भाग नहीं ले सकते हैं दोस्तों, पुरुष कैंडिडेट इस ट्रेड वाले बच्चे नहीं भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रेड दिया गया, कोपा, RAC, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, डाटाबेस सिस्टम, DTP सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये सब ट्रेड दिया गया दोस्तों। तो फीमेल वाले ही सिर्फ इस ट्रेड वाले बच्चे भाग ले सकते हैं, जो है मेल वाले नहीं ले सकते दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों दो कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, एक कैंपस प्लस में टू कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, दो जगह दो कॉलेजों में एक कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। जो यहाँ पे देख सकते हैं जो पासिंग ईयर दिया गया है वो 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 पास आउट कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों। तो जो 2017 से 2021 तक पास किए हैं वही कैंडिडेट केवल इसमें भाग ले सकते हैं, अदर स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तब तक अपना अपना जो है पासिंग ईयर देख लीजिएगा, उसके बाद कैंपस प्लस में जाइएगा। जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं, मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 26 ईयर होना चाहिए दोस्तों। इसमें आपका नहीं आपका एज 18 से कम होना चाहिए, नहीं 26 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो आपका जॉब प्रोफाइल रहने वाला है, गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप जॉब एंड FTE के तहत जॉब कर सकते हैं दोस्तों, तो दोनों में से आप जो करना चाहते कर सकते हैं। आप अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, और अगर आप अप्रेंटिसशिप पहले ही कर चुके हैं तो FTE के तहत जॉब कर सकते हैं दोस्तों इसमें। और दोस्तों सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, तो जो गवर्नमेंट अप्रेंटिस वाले हैं उनको जो दिया जाएगा 15,300 रुपया दिया जाएगा, और जो FTA वाले हैं उनको जो दिया जाएगा दोस्तों 15,800 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। तो सैलरी दोस्तों दोनों के लिए सेम ही रखा गया, 500 रुपया का ऊपर नीचे है दोस्तों, ज्यादा नहीं है। बेनिफिट सेम मिलने वाला है दोनों को, कैंटीन शूज, यूनिफॉर्म, मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, जो फैसिलिटी दोस्तों सारी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा, PAPSI सारी। तो दोस्तों फैसिलिटी के लिए कोई टेंशन नहीं है, सारी फैसिलिटी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ जो दोस्तों इसमें रूम नहीं दिया जाता, रूम अपने से लेना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा आप देख सकते हैं, अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, बैंक का पासबुक, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, और इन सब डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरोक्स का भी साथ में आप लीजिएगा दोस्तों। उसके साथ जो है वैक्सीन का भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, उसके साथ जो है दोस्तों सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा साथ, क्योंकि जो हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी ज्यादातर दोस्तों जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोस्तों इसमें चेक किया जाता है, या हो सकता है कि आपसे लिया भी जाए, तो इसलिए आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइएगा।
और यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला कैंपस क्वेश्चन लगाने के लिए जा रही है 16 जून 2022 सुबह 9:30 बजे कैंपस क्वेश्चन लगाने के लिए जा रही है। जहाँ लगाने के लिए जा रही है वेन्यू दिया गया है गवर्नमेंट ITI जो दिशा FPO1TA दिशा डिस्ट्रिक्ट जो है बनास खाड़ते गुजरात में ही लगाई जा रही है दोस्तों। तो वहीं पर आपको जानते पड़ेगा काम था है दोस्तों जगह का नाम। दूसरा जो है दोस्तों कैंपस डिटेल्स देखिए 21 जून 2022 को सुबह 9:30 बजे गवर्नमेंट ITI जो मालपुर रघुनाथपुर रोड जो FPO TA मालपुर डिस्ट्रिक्ट जो है अरावली गुजरात देख सकते हैं पिन नंबर दिया गया है। तो वहीं पे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दोनों का बैनर भी दिया गया है देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों जाए आप लोग इस कैंपस क्वेश्चन में भाग लीजिए। यहाँ पर नंबर भी दिया गया दोनों में। तो नंबर पे अगर कुछ भी डाउट है तो फोन करके पूछ सकते हैं। जो कॉलिंग टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आप किसी भी टाइम कॉल करके जो भी पूछना है पूछ सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा था दोस्तों जय इस कैंपस क्वेश्चन में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय दोस्तों।